नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सरकारी राशन वितरण में घटतौली व अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदारों के नेतृत्व में कोटेदारों के वहां करवाया छापेमारी की कार्यवाही। जांच में पाई गई कई तरह की अनियमितता, जिलाधिकारी ने कहा, घर घर सर्वे कराकर रिपोर्ट के आधार पर कोटेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। जाँच अभी भी है जारी। सरकारी राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने तहसील सदर के दो गांव के कोटे पर मारा छापा। मशीन से मिलान में पाई गई राशन वितरण में कमी, कहा, नागरिकों के बयान के आधार पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। गोरखनाथ थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने लगाया पुलिस चौपाल, कहा, पुलिस चौपाल में 21 थानों पर आए कुल 163 मामले, 52 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, 33 मामलों में जांच के दिए गए निर्देश। चौदह मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारीगण एवं अधिवक्तागणों के साथ बैठक हुई संपन्न। दिए गए अधिकाधिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराए जाने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में 9 मई से 18 मई तक सभी ब्लॉकों पर शिविर लगाकर दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण का किया जाएगा वितरण। जिलाधिकारी ने कहा, शिविर में सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का भी दिव्यांग जनों को दिया जाएगा लाभ। पूर्वांचल निधि सांसद विधायक निधि पीएमजीएसवाई त्वरित आर्थिक विकास कार्यों का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में किया समीक्षा बैठक। अधिकारियों को कार्यों को बरसात से पहले पूरा कराने के लिए दिए निर्देश। सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित 18 गांव के कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद में 4 मई से 18 मई तक चलने वाले आयुष्मान कार्ड पखवाड़े का सीएमओ ने नई बाजार के रहने वाले 62 वर्षीय अमरजीत यादव के आयुष्मान भारत के कार्ड को वेरीफाई कर योजना का किया शुभारंभ। डीएम ने किया निर्देशित, कहा, जितने भी लोग पात्रों की सूची में हैं उनका जल्द से जल्द बनाया जाए आयुष्मान कार्ड। बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कैंट थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, सुना फरियादियों की फरियाद, विभिन्न मामलों के संबंधित अधिकारियों को जांच कर निस्तारण के दिए निर्देश। और निर्माणाधीन गोरखनाथ थाने का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने किया औचक निरीक्षण, कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदार को दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जनपद में राशन वितरण में घटतौली की शिकायत पर जिले के एसडीएम व तहसीलदारों के नेतृत्व में कोटेदार के कोटे पर छापा पड़ा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि हमारी गोपनीय जांच लगातार चल रही है, जिसमें राशन वितरण प्रणाली सुरक्षा अधिनियम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलना है, जिसमें कुछ कोटेदारों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी कि राशन में पात्रों को जोड़ा गया है और यूनिट काटी गई है, जिसका जाँच करने के लिए हर तहसीलों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। हर गांव के कोटे पर राजस्व के कर्मचारी जाकर के डोर टू डोर सर्वे करके कितनी घटतौली हो रही है उसका सत्यापन किया जा रहा है, जिसके आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यांकन करके रिकवरी की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कोटे को निरस्त करके महिला समूहों को कोटा चलाने के लिए दिया जाएगा। गोपनीय जाँच में जहाँ भी कोटेदार या सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा इस तरह की अनियमितता की जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उस पर कार्यवाही किया जा सके। प्रयास है कि सभी लाभार्थियों को पूरा राशन का हक मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा,
हमारी गोपनीय जांच लगातार चल रही है, उसमें जो राशन वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हमारे राशन कार्ड धारकों को मिलना है, अंत्योदय कार्ड धारकों को, पात्र गृहस्थियों को, और उसमें कुछ जगह पे कोटेदारों के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि गटतोली हो रही है, अपात्रों को जोड़ा गया है, यूनिट्स काटे गए हैं। इस तरह की शिकायतों की जाँच करने के लिए आज हर तहसील में छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक गांव में 10 से 15 राजस्व टीम के कर्मचारी अधिकारीगण जाके डोर टू डोर सर्वे करके कितनी गटतोली हो रही है, कितनी कटौती हो रही है, कितने अपात्र लोगों को जोड़ा गया है, इसका सत्यापन करेंगे और आज शाम तक रिपोर्ट प्राप्त होगी और उसके आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यांकन करके रिकवरी की जाएगी, प्राथमिकता दर्ज किया जाएगा और इसमें निरस्तीकरण करके महिला समूहों को वो छोटा आवंटित किया जाएगा और इस तरह की लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। गोपनीय जांच में जहां कोटेदारों द्वारा या सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा या मार्केटिंग के अधिकारियों द्वारा इस तरह की अनियमितता की जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि सभी लाभार्थियों को 100% उनका खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अधिकार प्राप्त होकर शासन की योजना हर एक गरीब व्यक्ति तक पहुँचे, इसी प्रयास से ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और कोशिश यही है कि सभी लोगों को अपना हक मिले। जिले में राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने तहसील सदर के 2 गांवों के कोटेदार के कोटे पर छापा मारा, जिसके संबंध में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने निर्देश अनुसार सुबह 6:30 बजे सदर तहसील के भठट के औरंगाबाद व जंगल कौड़िया के तुस्यारमी के कोटेदार के कोटे के निरीक्षण किया गया, जिस पर यह पाया गया कि अप्रैल माह में जो 3 बार राशन वितरण होना था उसकी जगह 2 बार हुआ, जिसका पता जिला सप्लाई कार्यालय से किया गया, लेकिन गांव के सभी कार्ड धारकों को 2 बार राशन नहीं मिला। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा घटतौली की भी शिकायतें की गई हैं, जिसका जांच किया जा रहा है। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संपन्न हैं, जिनका लिस्ट में नाम है, उनके द्वारा राशन लिया जा रहा है। इस तरह की सभी अनियमितताओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसको देखते हुए लिस्ट को संशोधित किया जाएगा। जो कोटेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनका कोटा निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, अभी जांच जारी है, जांच पूरे गांव की जा रही है। मेरे द्वारा औरंगाबाद के कोटेदार सुभाष यादव की जांच की गई है। मौके पर जो स्टॉक था वह स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर बराबर पाया गया, लेकिन मशीन के अंदर जो स्टॉक है उसमें भिन्नता पाई गई, जिसको देखते हुए नागरिकों का बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज सुबह 6:30 बजे सदर तहसील के 2 गांव भटट में औरंगाबाद और जंगल कौड़िया में कुशहरा में मेरे और तहसीलदार सदर द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारी टीम ने यह पाया कि गांव में जो 3 बार वितरण होना था उसकी जगह 2 बार हुआ, जिससे कि जिला सप्लाई कार्यालय से कन्फर्म किया गया तो 2 ही बार वितरण होना बताया गया, परंतु गांव के सभी कार्ड धारकों को 2 बार राशन नहीं मिला। घटतौली की भी शिकायतें आई है, कुछ ऐसे भी हैं जो अपात्र हैं, जो संपन्न हैं, जिनके की लिस्ट में नाम है और उनके द्वारा राशन लिया जाता है। इस प्रकार की सभी अनियमितताओं को हमने सूचीबद्ध किया है और तदनुसार लिस्ट को संशोधित किया जाएगा और जो कोटेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और उनका दुकान निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। सर, आज किस तरह की कार्रवाई की है? अभी फिलहाल अभी तक हमारी जांच चालू है, सारे गांव के अंदर जांच की जा रही है। मेरे द्वारा औरंगाबाद के कोटेदार सुभाष यादव की जांच की गई थी। मौके पे जो स्टॉक था वो स्टॉक रजिस्टर के टैली करने पे बराबर पाया गया, परंतु जो मशीन के अंदर जो स्टॉक है उससे भिन्नता पाई गई, जरा सी ज़्यादा नहीं, तो जनता के बयान के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे मेरा सभी से निर्देश है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि लोगों के 3-3 मंजिल के मकान हैं, घर में एसी है, कुछ के पास ट्रैक्टर हैं, परंतु उनके राशन कार्ड में और राशन की लिस्ट में नाम है और प्रत्येक महीने वो लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वंचित रह गए हैं, तो कृपया करके स्वयं से अपने नाम हटवा लें और वंचित लोगों के नाम जोड़ने की जो हमारी मुहिम चल रही है उसमें सहयोग करें।
जनपद में बुधवार को 21 स्थानों पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखनाथ थाने पर पुलिस चौपाल लगाया, जहां पर उन्होंने चौपाल में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना व संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि गोरखनाथ थाने पर मेरे द्वारा पुलिस चौपाल लगाया गया। जिले के कई थानों पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाने पर जाकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है व निस्तारण किया जा रहा है। वहां पर थाने का रखरखाव, रजिस्टर का रखरखाव, कार्यालय का रखरखाव, कर्मचारियों की सुनवाई, आईजीआरएस प्रकरण में मुकदमे के जो वादी हैं उनकी भी सुनवाई की जा रही है और जो उसमें संभव कार्यवाही है की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस चौपाल में जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसको तत्काल संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, बुधवार को पुलिस चौपाल में कुल 21 स्थानों पर 163 एप्लीकेशन आए, जिसमें से 52 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा 33 मामलों में जांच के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, कौन देखता है आपने आपको एक नितिन श्रीवास्तव है कोई दरोगा जी उनको बुलवाइए उनसे विशेष रूप से लिस्ट भेजी गई है आपको आईआरएस ऑफिस से, तो मैं बताओ ना जब सब खोल के मैं दे दिया हूँ आप तो पहुँचा दिया आपको, तो खाली नाम पूछ रहा हूँ। चलो है नाम बोलिए, जिन जिन का नाम आया हाथ खड़ा करते रहिए। कृष्णभूषण शाह, कृष्णभूषण शाह है, हाँ ठीक है। डॉक्टर अमरुल्लाह अरमानुल्लाह, अरमानुल्लाह जी, जुबैर अहमद जी, पटना जी, हाँ सर मेहनत जी। फिर क्या हुआ उसमें समाधान विभाग के सभी लोग आए थे, आप नहीं आए थे वहाँ पे? आई साहब किसके बल पर? आपके वकील साहब या वकील साहब? हाँ वकील साहब आए थे। मीडिया में खास साहब ने कहा था कि आप दोनों पार्टी हमारे कोर्ट में आ जाए, अच्छी बड़ी गुनाह करके सर जो है पूछ लेंगे। नहीं वो भी गए होंगे, उनको जो है नहीं गए थे, उन्हें साइन करवाए हम गए। जी सर, जी सर, वो भी नहीं गए थे। आप कहेंगे जो है कि हम उनको बुला करके उनसे पूछ लेंगे। नाम क्या है आपका? प्रसून नारायण। सर जब भी बात होती है या जब मतलब पार्टी आती है तो आप नहीं आते, कभी एक वोट को नहीं आते? साहब ने दिए, साहब ने कहा जब तक दोनों पार्टियां नहीं होंगी हम डिसाइड नहीं करेंगे। उस दिन सर आप नहीं आए थे और दूसरी पार्टी सर आई थी। आप जॉब करते थे तो 3 साल शादी के हुए, बच्चा भी हुआ था 8 महीने का, बच्चा था। मेरी बहन ससुराल में रहती थी, मैं बगल तो अब जो हम लोग गोरखपुर में घर है जो उनके दादाजी का घर, तो अपना भी घर नहीं है। जब दादाजी का हॉस्टल से वहाँ तक छोड़ के चले गए, मम्मी पापा वहीं रहते थे उस वक्त, और उनको भी अच्छा लखनऊ में रहते हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उन्होंने वहाँ पे अपीयर हुई और अपना जवाब सबमिट की, तो उसके बाद बीच में वो बच्चा छोटा था तो बीच में आती रहती थी, एक दिन पूरे दिन भर रहती थी अपने ससुराल में। फिर उसके बाद कहते थे देखो बेटा 4 दिन तक 7, 8, 9, 10, 10 अप्रैल 2022 तक वहीं, 10 अप्रैल के बाद जब वो वहाँ रही तो 10 अप्रैल को उसके जो अपने सास ससुर जो यहाँ 4 परिवार रहते हैं उनके बाकी अपने सास ससुर जो है कमरे में ताला लगा बंद करके देश के बाद 5 मिनट
पता नहीं इनकी है किसी और की है सर। हम लोग करीब उस पर घर बना कर 30-40 साल से रहे, 30-40 साल से घर बना हुआ वो ये कह रहे साहब 40-50 साल से इस पर रह रहे हैं, खानदानी रह रहे हैं, और वो जमीन जहाँ पे ये बता रहे हैं स्टे वो ये जमीन नहीं है। पैमाइश की मैंने इनसे कहा नेपाल जी कि उनका घर पर पैमाइश के तैयार नहीं है, 36-40 साल आ रही है उनका मकान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी राजेश गांधी की क्लियर नहीं किया ना बस उनके घर 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, पुराने झोंपड़ी सर की झोंपड़ी गिरा के उस पर कई लोग घर बना के रह रहे हैं सर, कई मकान बने हुए हमारा गेट लगा तो रिपोर्ट दे रही कि आज भी 2 तारीख आज थाना गोरखनाथ में मेरे द्वारा पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से जनपद के समस्त थानों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाकर पुलिस चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान थाने का रखरखाव, कार्यालय का रखरखाव, हमारे कर्मचारियों की सुनवाई के साथ साथ जो IGRS के और जो मुकदमों के वादी हैं उनकी भी सुनवाई की जा रही है, और जो उसमें संभव कार्रवाई है वो मौके पर की जा रही है, जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार 14 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में 4 मई 2022 को अपराह्न 1 बजे न्यू इंडिया बीमा कंपनी, यूनाइटेड बीमा कंपनी एवं ICICI बीमा कंपनी के नोडल अधिकारीगण एवं अधिवक्तागणों के साथ बैठक किया गया। बैठक में जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी द्वारा बैठक में उपस्थित बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारियों एवं अधिवक्तागणों से मोटर दुर्घटना वादों के निस्तारण हेतु हो रही समस्याओं पर चर्चा किया गया तथा बैठक में उपस्थित बीमा कंपनी के नोडल अधिकारियों एवं अधिवक्तागणों से अपेक्षा की गई है कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से संबंधित अधिकाधिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराए जाने का प्रयास करें। इसी क्रम में 5 मई को भी अपराह्न 1 बजे जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में नेशनल बीमा कंपनी एवं समस्त प्राइवेट बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण के साथ बैठक किया जाएगा। यह जानकारी देवेंद्र कुमार द्वितीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी। जनपद में दिव्यांगजनों में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 9 मई से 18 मई तक अलग अलग ब्लॉकों में शिविर लगाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए उपकरणों की व्यवस्था के लिए कैंप लगाया जाएगा, जिसके लिए माइक्रो प्लान बनाकर शिविर की तिथि निर्धारित की गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि सरकारी योजनाओं में नाम दर्ज कराते हुए उनको निशुल्क कृत्रिम उपकरण वितरित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हमारे दिव्यांग लाभार्थियों के लिए उपकरणों की व्यवस्था के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाए जा रहे हैं, और इसके लिए हमने माइक्रो प्लान बना के शिविरों की तिथि निर्धारित की है, और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आच्छादित हो सकें और उनको सरकारी योजनाओं में आच्छादन कराते हुए निःशुल्क उपकरण की व्यवस्था हम व्यवस्था करा लें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सरकारी राशन वितरण में घटतौली व अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने जिले के सभी SDM व तहसीलदारों के नेतृत्व में कोटेदारों के वहां करवाया छापेमारी की कार्यवाही। जांच में पाई गई कई तरह की अनियमितता, जिलाधिकारी ने कहा, घर घर सर्वे कराकर रिपोर्ट के आधार पर कोटेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही, जाँच अभी भी है जारी। सरकारी राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर DM के निर्देश पर SDM सदर कुलदीप मीणा ने तहसील सदर के 2 गांव के कोटे पर मारा छापा। मशीन से मिलान में पाई गई राशन वितरण में कमी, कहा, नागरिकों के बयान के आधार पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। गो
गोरखनाथ थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने लगाया पुलिस चौपाल। कहा पुलिस चौपाल में 21 थानों पर आए कुल 163 मामले, 52 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, 33 मामलों में जांच के दिए गए निर्देश। चौदह मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारीगण एवं अधिवक्तागणों के साथ बैठक हुई संपन्न। दिए गए अधिकाधिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराए जाने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में 9 मई से 18 मई तक सभी ब्लॉकों पर शिविर लगाकर दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण का किया जाएगा वितरण। जिलाधिकारी ने कहा शिविर में सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का भी दिव्यांग जनों को दिया जाएगा लाभ। पूर्वांचल निधि सांसद विधायक निधि PMGSY त्वरित आर्थिक विकास कार्यों का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में किया समीक्षा बैठक। अधिकारियों को कार्यों को बरसात से पहले पूरा कराने के लिए दिए निर्देश। सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित 18 गांवों के कार्यों की CDO इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद में 4 मई से 18 मई तक चलने वाले आयुष्मान कार्ड पखवाड़े का CMO ने नई बाजार के रहने वाले 62 वर्षीय अमरजीत यादव के आयुष्मान भारत के कार्ड को वेरीफाई कर योजना का किया शुभारंभ। DM ने किया निर्देशित, कहा जितने भी लोग पात्रों की सूची में हैं उनका जल्द से जल्द बनाया जाए आयुष्मान कार्ड। बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कैंट थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। सुना फरियादियों की फरियाद, विभिन्न मामलों के संबंधित अधिकारियों को जांच कर निस्तारण के दिए निर्देश। और निर्माणाधीन गोरखनाथ थाने का SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने किया औचक निरीक्षण। कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदार को दिए निर्देश। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बुधवार को विकास भवन के सभागार में पूर्वांचल निधि सांसद विधायक निधि PMGSY त्वरित आर्थिक विकास योजना के संबंध में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विधायक सांसद निधि के कार्यों पर बारी बारी चर्चा की। उन्होंने सभी विकास कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। की संख्या थी आपकी? हाँ, 11 हमने इस मामले का कंप्लीट कर दिया। जो हमने एक ग्रेड ले लिया है 19 कंप्लीट हुई जी। बाकी बाकी चल रहा है सर, इसमें डेटा कंप्लीशन का अगर बरसात के बाद कोई जा रहा है सितंबर में है डेटा पैकेज में सर, इसको जून एक दो रोड छोड़ करके अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर में काम कहाँ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये रोड जो भी करना है जुलाई। CDO इंद्रजीत सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यों की विकास भवन में समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 18 गांव जनपद में चिन्हित किए गए हैं, उसके कार्य योजना बनाने के लिए किया गया बैठक की गई। उन्होंने कहा कि विद्यालय आंगनबाड़ी तथा गाँव में जितने भी विद्यालय हैं उनको प्रधानों द्वारा स्मार्ट विद्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जिसको देखते हुए गाँव के विद्यालय को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा, जिसके लिए बैठक की जा रही है। जल्द ही प्रस्ताव बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, आपकी कोई कार्य योजना में संपर्क निर्माण बोला, संपर्क मार्ग बोला, आंगनबाड़ी का निर्माण जो मैंने पिछली बार जबरदस्ती दिलवाया था आप लोगों से, विद्यालयों शौचालय का निर्माण और वृद्ध मरम्मत तब और सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट, अगर आपको कोई गांव है वहाँ पे हाई मास लाइट लगनी है तो वो आप ले सकते हो, लेकिन वो ऐसा हो कि सारे गांव को रोशन बोल लीजिए आप तो इस तरह से, ये इंडिकेटिव लिस्ट है, बाकी जो है उस तरह से करना आप क्षेत्र पंचायत को यूज करिए, माननीय प्रभु जी से बात करेंगे, उनको बता देंगे कि ये प्रोजेक्ट आप करवा दीजिए, वो करवा देंगे क्षेत्र पंचायत से। अभी सरदार नगर में 5 पोखरे ले गया, क्षेत्र पंचायत को ले लिए, पहले बन रही है शुरू कर देता हूँ। तो ये आपको पूरे एंगल देखते हैं, ये नहीं कि आपने यहाँ से देखिए सीसी दे दी, आरसी दे दी, पिछले रात की कॉपी पेस्ट की देखिए। आज सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो 18 गांव गोरखपुर के चिन्हित हुए उसमें कार्य योजना बनाने के लिए बैठक ली गई, ये ट्रेनिंग सेशन था। इसके अंतर्गत कन्वर्जेंस के द्वारा जो काम होने हैं, जो फंड अवेलेबल है उससे काम होने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें सबसे जो मुख्यतः है विद्यालयों पर, आंगनबाड़ी पर और जो हमारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सड़कों पर काम होने उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। स्मार्ट क्लास हाँ, इसमें विद्यालयों पे भी काम होना है, उसको जो जितने विद्यालय है उसको स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए प्रधान जी द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया जिसको एक्सेप्ट किया गया।
जनपद में 4 मई से 18 मई तक चलने वाले आयुष्मान कार्ड पखवाड़े का बुधवार को जिला अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नई बाजार के रहने वाले 62 वर्षीय अमरजीत यादव के आयुष्मान भारत के कार्ड को वेरीफाई कर योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से देश परिवार आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर आयुष्मान कार्ड बनवा लें। 4 मई से 18 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 1500 से ज्यादा बीमारियों के लिए 5 लाख वार्षिक प्रतिपूर्ति के लिए शासन ने आयुष्मान योजना का शुरुआत 2018 में किया था। उन्होंने निर्देशित किया कि जितने भी लोग सूची में हैं, जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनाया जाए ताकि योजना का लाभ लोगों को मिल सके तथा हर एक कोटेदार के दुकान से राशन वितरण के दौरान शिविर लगाया जाएगा, जिससे बीएलई कंप्यूटर के साथ उपलब्ध रहेंगे। 5 मिनट के भीतर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तथा यह व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी। वहीं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में योजना के करीब 4,48,000 लाभार्थी परिवारों के करीब 20 लाख लाभार्थी योजना से आच्छादित है। जिले में लगभग 5,10,000 लाभार्थियों के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि कार्ड से पहले उपलब्ध होने पर गंभीर परिस्थितियों में इलाज करवाने के दौरान लाभार्थी का कीमती समय बचता है। कार्ड होने पर आरोग्य मित्र वेरीफाई कर मरीज का तुरंत इलाज शुरू करवा देते हैं। योजना के लाभार्थी अपना आरोग्य कार्ड किसी भी जन सूचना केंद्र, योजना में आच्छादित निजी अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में निःशुल्क बनवा सकते हैं। मरीजों को इलाज में सहूलियत देने के मकसद से कार्ड की व्यवस्था लागू की गई है। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डीपीसी डॉक्टर संचिता मल, जिला सूचना तंत्र प्रबंधक शशांक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे और जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, चार पाँच छः अंकता हटा लिया सर, इस पे से चेक किया तो उनका डिटेल नहीं, क्योंकि ये लाभार्थी अपने नहीं है। अच्छा, तो अब कैसे करोगे कि ये पीछे 87 12 22 कोशिला देवी अर्चना ये हैं आपके परिवार में? जी सर, आप ही के परिवार के नहीं, हमारे लड़के हैं, बेटी है और हमारी पत्नी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक ये पेशेंट है, आईसी हुआ है, कार्ड सर दे दीजिए। हाँ भैया, अच्छा सर, जो सरकारी अस्पताल के अलावा ये जो है 93 सरकारी प्राइवेट अस्पताल हैं गोरखपुर में, 93 प्राइवेट अस्पताल हैं जिसमें तुम अपना इलाज करा सकती हो, और साथ में 23 हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ इलाज करा सकती हो। और ये तुम्हारा कार्ड है, साल भर में 5 लाख रुपए तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगा। एक साल जैसे खत्म होगा जनवरी के महीने से, फिर सरकार इसमें 5 लाख रुपए बराबर कर देगी, तो हर साल 5 लाख रुपए का तुम इलाज करा सकते हो, ठीक है। और इसमें बेटा करीब 1500 से ज्यादा बीमारियां कवर होती हैं, कुछ करना नहीं होगा तुम्हें, जहाँ सरकारी अस्पताल में कराना, यहाँ लेके कार्ड जाओगी करेंगे। और सर इधर देखें, ऑनलाइन नाम देखिए, आयुष्मान पखवाड़ा जो है आज से लेकर के 18 तारीख तक हमारे यहाँ बनाया जाएगा, और जनपद में हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब सेंटर्स हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, गांव-गांव में राशन कोटेदारों के यहाँ जितने भी जो है हमारे जो है बीएलईज हैं, इनके माध्यम से बनाया जाएगा। और इसके तहत लगभग जो है हमारे पास 4,80,000 घर हैं, 20 लाख के करीब लाभार्थी हैं, जिसमें से 5 लाख गोल्डन कार्ड हम बना चुके हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस पखवाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्ड बनाएं, जिससे कि हमारा
जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है इसका लोग लाभ उठा सकें। और इसी सिलसिले में जो है गांव-गांव में क्षेत्र में चारों तरफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज जिला अस्पताल में हमने स्वयं शुभारंभ किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। हर जगह हम लोग इसका बृहद प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कार्ड बनवा रहे हैं। सर अपील क्या करना चाहूँगा? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि सभी लोग जो है जहाँ पर भी हमारा ये कार्ड बन रहा है, जो सरकार ने नए अंत्योदय कार्ड धारकों को या जो श्रमिकों को जिन लोगों को और जोड़ा है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपना गोल्डन कार्ड बनवाएं, जिसे हम लोग अब आयुष्मान कार्ड कहते हैं। यह पूरी तरह से निःशुल्क बनता है, सरकार द्वारा इस कार्ड को बनाने में कोई शुल्क नहीं लिया जाता और इसके द्वारा जो है जो गुणवत्तापूर्ण उपचार जो है हमारे जो शहर के राज्य चिकित्सालयों में और जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं वहाँ पर जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएँ। जैसे आप अवगत हैं कि 1500 से ज़्यादा बीमारियों के लिए 5 लाख तक वार्षिक प्रतिपूर्ति के लिए शासन ने आयुष्मान योजना का शुरुआत 2018 में किया था। हमारे जनपद में अभी 5.5 लाख से ज़्यादा लोग उसमें आच्छादित हुए हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि अंत्योदय कार्ड धारक और SCC सूची में जितने भी लोग हैं उन सभी को 100% उसमें आच्छादित किया जाए ताकि इतनी अच्छी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। इसके लिए ये 2 हफ्ते का पखवाड़ा दोबारा शुरू किया गया है और इसमें हम लोग हर एक कोटेदार की दुकान पर वितरण के दौरान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें हमारे VLEs जो कंप्यूटर के साथ उपलब्ध रहेंगे वहाँ 5 मिनट के भीतर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, उनके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, बस एक आधार नंबर के साथ लाभार्थियों को पेश होना है और सुगमतापूर्वक व्यवस्था करना है। निःशुल्क वहाँ पे आपको आच्छादन के लिए व्यवस्था दी जाएगी। इसकी सतत मॉनिटरिंग यहाँ कंट्रोल रूम से हो रही है। हम चाहते हैं कि इस अभियान में अग्रणी गोरखपुर जनपद रहे और इसके लिए सभी का सहयोग निवेदित है। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार चौपाल का आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कैंट थाने पर पुलिस चौपाल लगाया। पुलिस चौपाल के तहत कैंट थाना पर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा चौपाल में आए हुए विभिन्न मामलों को जांच के लिए निर्देश दिए। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने चौपाल में आए हुए फरियादियों की समस्या को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर थाना कैंट प्रभारी शशिभूषण राय, रेलवे चौकी इंचार्ज अरुण कुमार सिंह सहित अन्य चौकी इंचार्ज पुलिसकर्मी मौजूद रहे। किराएदार दामाद ने गोली मार दिया, शुक्ला जी के दामाद क्या चीज़ का एग्रीमेंट कराए थे? और मेरे आज हार्ट डिजीज के मरीज हैं, 3 बार हार्ट अटैक मार चुका है।
मर्जी पे प्लॉटिंग किया है। एग्रीमेंट हो रखा है, ओम प्रकाश कौन है? प्रकाश में 10 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं है। जो जागरण लिखे हैं रखो ना, टाइम का ही नहीं, 10 बजे के बाद आपने की मेरी एक कम कर दी है। कितनी जमीन बिकी है? कितनी जमीन बिकी है? कितना है अभी उसको? नहीं बिकी है तो लोग रजिस्ट्री करने मत जाना। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने निर्माणाधीन गोरखनाथ थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि गोरखनाथ निर्माणाधीन थाने का निरीक्षण किया गया और वहां पर जो ठेकेदार हैं उनसे वार्ता की गई, जिस पर ठेकेदार ने बताया कि जल्द ही कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी सहयोग है उसको करवाया जाएगा, जिससे कि जो भी कार्य है जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। प्रयास है कि समय अवधि में ही निर्माण कार्य को पूरा करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, बुलाओ जो ठेकेदार वगैरह हैं, कब तक पूरा करवा देंगे? क्या बोला आज ही हैवी है सर, इलेक्ट्रिक वर्क हैवी है। नहीं नहीं वो सब ठीक है, ये क्या मतलब तीन चार महीने पहले तो यार जून बता, जुलाई बताना आप लोग। हाँ जुलाई सात, सर जुलाई तुम्हारे एग्रीमेंट में ही है, जुलाई लास्ट में देने हैं। बट ये हुआ कि ये इधर डॉक्टर लोग आ गया तो थोड़ा लेट हो गया था, बस बस ज्वाइन टाइम ही नहीं पाई, वेंटिलेटर इधर भैया था बाहर, हमारा काम सब देखे काम करता है, तुम के जी बताएगा बट टाइम नहीं पाई टाइम से, फिर इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा लेट हो गया, लेट मई जून जुलाई लास्ट था हमारा, मई जून जुलाई के बाद काफ़ी काम बचा हुआ। अब फिनिशिंग वर्क है सर, फिनिशिंग वर्क है, हम
मैन पावर बढ़ाना है खास करना अपना, ऐसा नहीं स्कूल की ड्राइंग की जरूरत है या किसी की जरूरत है। आप क्लियर हुआ अभी तो मैं ही कर रहा हूँ सर, ये कब तक हो जाएगा आपका? शायद आप देखिए थोड़ा टाइम तो लगना ही है इसमें, 6 मंथ लग ही जाएगा। ये है कि इसका 2 सेट तैयार किया हूँ मैं, मतलब कि अभी छठी कोई नहीं दूसरा मेरा स्टेप डाक में काम करना है, इस तरह का काम करना है। जी इसमें जो निर्माणाधीन थाना है उसका भी निरीक्षण किया गया और यहाँ के जो कार्य करने वाले ठेकेदार हैं उनसे वार्ता की गई है, उनके द्वारा कुछ समय सीमा में कार्य पूरा करने को हमको बताया गया है, जिसके तहत हमारे द्वारा जो भी संभव सहयोग है वो दिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि समय अवधि में ही ये निर्माण कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा पूर्ण करवाया जाए। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सरकारी राशन वितरण में घटतौली व अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदारों के नेतृत्व में कोटेदारों के वहां करवाया छापेमारी की कार्यवाही। जांच में पाई गई कई तरह की अनियमितता, जिलाधिकारी ने कहा घर घर सर्वे कराकर रिपोर्ट के आधार पर कोटेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही, जाँच अभी भी है जारी। सरकारी राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने तहसील सदर के 2 गांव के कोटे पर मारा छापा। मशीन से मिलान में पाई गई राशन वितरण में कमी, कहा नागरिकों के बयान के आधार पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। गोरखनाथ थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने लगाया पुलिस चौपाल, कहा पुलिस चौपाल में 21 थानों पर आए कुल 163 मामले, 52 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, 33 मामलों में जांच के दिए गए निर्देश। चौदह मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारीगण एवं अधिवक्तागणों के साथ बैठक हुई संपन्न। दिए गए अधिकाधिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराए जाने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में 9 मई से 18 मई तक सभी ब्लॉकों पर शिविर लगाकर दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण का किया जाएगा वितरण। जिलाधिकारी ने कहा शिविर में सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का भी दिव्यांग जनों को दिया जाएगा लाभ। पूर्वांचल निधि सांसद विधायक निधि पीएमजीएसवाई त्वरित आर्थिक विकास कार्यों का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में किया समीक्षा बैठक, अधिकारियों को कार्यों को बरसात से पहले पूरा कराने के लिए दिए निर्देश। सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित 18 गांव के कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक, कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद में 4 मई से 18 मई तक चलने वाले आयुष्मान कार्ड पखवाड़े का सीएमओ ने नई बाजार के रहने वाले 62 वर्षीय अमरजीत यादव के आयुष्मान भारत के कार्ड को वेरीफाई कर योजना का किया शुभारंभ। डीएम ने किया निर्देशित, कहा जितने भी लोग पात्रों की सूची में हैं उनका जल्द से जल्द बनाया जाए आयुष्मान कार्ड। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कैंट थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, सुना फरियादियों की फरियाद, विभिन्न मामलों के संबंधित अधिकारियों को जांच कर निस्तारण के दिए निर्देश। और निर्माणाधीन गोरखनाथ थाने का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने किया औचक निरीक्षण, कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदार को दिए निर्देश। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।